हेलो फ्रेंड्स, सो मैं आया हूँ इंदौर सिटी, जो कि इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट सिटी मानी जाती है। जय जी गणराज विद्या सुख दाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन जमता। फ्रेंड्स, इंदौर सिटी पहुँचते ही सबसे पहले मैं जा रहा हूँ अहिल्या बाई फोर्ट की तरफ, जो कि माहेश्वर में है, जो यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि ये नर्मदा रिवर पे बना हुआ किला यानी फोर्ट है। इसे देवी अहिल्या होलकर ने बनवाया था, जो कि एक मराठा रूलर थी। इन्होंने अपने पति के मरने के बाद ये गद्दी संभाली थी। इन्होंने काफ़ी हिंदू टेंपल ऑल ओवर इंडिया में बनवाया है, जिसमें से द फेमस वाराणसी का काशी विश्वनाथ टेंपल भी है, जिसे इन्होंने फिर से 1776 में बनवाया था, जिसे औरंगजेब ने 1669 में एक मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया था। हस्बैंड की मृत्यु के बाद देवी अहिल्या सती होने जा रही थी, जिन्हें मल्हर राव, जो कि उनके ससुर जी थे, उन्होंने उन्हें रोका, जिसके बाद अहिल्या जी ने इस पूरे जगह की गद्दी संभाली थी। फ्रेंड्स, यहाँ पे काफ़ी जगहों पे कैमरा अलाउड ही नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें नजर आएंगी, पर यहाँ पे भी वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, तो मैंने ऑन रिक्वेस्ट ये वीडियो फुटेज निकलवाई है। यहाँ पे आपको डिफरेंट हथियार और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जो देवी अहिल्या के टाइम पे यूज़ किए जाते थे। होलकर फैमिली फेमस थी पब्लिक का पैसा ना यूज़ करने के लिए। उनके अपने बिजनेस और प्रॉपर्टी एक्सेट्रा से ही वो अपने एक्सपेंसेस मीट कर लेते थे, जिसमें से ये हैंडमेड साड़ी फेमस है। यहाँ की बनी हैंडमेड साड़ी पूरे इंडिया में महेश्वर की साड़ी के नाम से फेमस है। यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं एक ओल्ड पर्सन से मिला, जिनकी आवाज में अलग जादू है। यहाँ की हर एक आर्किटेक्चर देखने लायक है। फ्रेंड्स, यहाँ पे शिव जी का मंदिर है, जहाँ पे देवी अहिल्या जी पूजा किया करती थी। यहाँ पे एक्चुअल में कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए वहाँ की फुटेज नहीं निकाल पाया हूँ, लेकिन आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप के शिव जी की पिंडीज नजर आएंगी, और इवन उनकी जो पूजा करने की सामग्री है, सब कुछ वहाँ दिखेगी। ये जो मंदिर बीच नदी में आप देख पा रहे हैं, ये हर बार बाढ़ यानी फ्लड के टाइम पे कम्प्लीटली डूब जाती है, और यहाँ पे आप बोट से जा सकते हैं। फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स अब मैं इंदौर सिटी के लिए वापस निकल रहा हूँ। फ्रेंड्स आज मैं यहीं स्टे करने वाला हूँ और अब कुछ खा लेता हूँ। कल मैं निकलूंगा मेन पातालपानी वाटरफॉल के लिए, जिसके लिए मैं यहाँ इंदौर आया हूँ। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ का पानी पूरे पाताल तक जाता है। इस जगह पे काफ़ी एक्सीडेंट्स भी हो चुके हैं, आपने बहुत वायरल वीडियोस भी देखी होंगी यहाँ की। तो देखते हैं कल का एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है। फ्रेंड्स अभी के लिए गुड नाइट, टेक केयर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करना न भूलें।